फ्रेंड्स, आज बात करेंगे इंडिया में पाए जाने वाले कुछ कॉमन स्नेक्स के बारे में। कुछ स्नेक्स होते हैं जो वेनमस होते हैं, कुछ नॉन वेनमस होते हैं, यानी कि कुछ जहरीले सांप होते हैं, कुछ बिना जहर के सांप होते हैं। तो जो कॉमन स्नेक्स हैं जो जनरली अपने को नजर आ जाते हैं गांव में या किसी जंगल में, तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि दोस्तों पॉइजनस और वेनमस में क्या डिफरेंस होता है। बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को। पॉइजनस वो चीज होती है जो हम खा लेते हैं और उससे हमारे शरीर में जहर फैल जाता है, उसको बोलते हैं पॉइजनस। जैसे कि कोई जहरीली चीज आपने खा ली या कोई दवाई है जो जहरीली है वो आपने खा ली और उससे आपके शरीर में जहर फैल गया या टॉक्सिक हो गया आपका शरीर में, तो उसको बोलेंगे पॉइजनस। वेनमस क्या होता है दोस्तों कि हमारे शरीर में विष को इंजेक्ट किया जाएगा। जैसे कि सांप ने हमें बाइट किया तो सांप ने जो उसके दांत है, फैंग बोलते हैं उनको, जो जहरीले दांत होते हैं ऊपर की साइड जबड़े में, उनको क्या बोलते हैं, फैंग बोलते हैं। तो फैंग की वजह से वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट करेगा। जैसे कि मेरे हाथ में यहाँ इंजेक्ट किया उसने, तो उसको क्या बोलेंगे, वेनमस। यानी कि सांप को आप, मतलब कुछ लोग सांप को मीट की तरह खाते हैं तो उनके शरीर में जहर नहीं फैलता है, क्योंकि वो जहर का जो वेनमस ग्लैंड है उसको अलग कर देते हैं उसके मुंह को काट के। तो सांप जो क्या है ना, पॉइजनस नहीं है लेकिन वो वेनमस है। यानी कि वो अगर आपके शरीर में जहर इंजेक्ट करेगा तो आपके शरीर में जहर फैल जाएगा, विष फैल जाएगा। तो पॉइजनस और वेनमस में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, आई होप। अभी बात कर लेते हैं कि जो कॉमन स्नैक्स हैं उनमें जो जहरीले स्नैक्स होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, फैंग पाए जाते हैं। ऐसे दो दांत होते हैं ऊपर की तरफ और उनके अंदर जो ग्लैंड होती है उसमें जहर भरा होता है, वेनम होता है। तो प्रेशराइज्ड मसल्स की वजह से जब वो दांत को गड़ोता है या बाइट करता है तो उसमें से वो इंजेक्ट कर देता है, इंजेक्शन की तरह जैसे दवाई इंजेक्ट करते हैं वैसे वो जहर को इंजेक्ट कर देता है। अब इसमें भी दो तरह के स्नैक्स होते हैं, दो तरह के ब्रॉडली होते हैं, जिनका फैंग शॉर्ट होता है और जिनका फैंग्स बड़े होते हैं, यानी कि बड़ी साइज होती है, यानी कि वो आपके ब्लड में इंजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्या होता है, जैसे कि कोबरा हो गया या ब्लैक मंबा हो गया या फिर कोरल स्नेक हो गया जो समुद्र में पाए जाते हैं, उनके क्या है, फैंग जो होते हैं वो छोटे होते हैं, यानी कि दांत, जहरीले दांत होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं। कोबरा हो गया या इंडियन कोबरा, ब्लैक कोबरा, किंग कोबरा या ब्लैक मंबा या फिर आपका कोरल स्नेक हो गया, इनमें जो जहर पाया जाता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है, यानी कि वो नर्व सिस्टम को डैमेज करता है और सांस लेने को, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। और दूसरे होते हैं वाइपर्स, जिनके फेंग बहुत लंबे होते हैं, यानी कि वो ब्लड तक इंजेक्ट कर देते हैं वेनम को, यानी कि जहर को ब्लड में डाल देते हैं। इसलिए उनका जो जहर होता है उनको बोलते हैं हीमोटॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक बोलते हैं, यानी कि वो ब्लड में जाके और ब्लड का जो थक्का बनाने की जो वो क्षमता है उसको खत्म कर देते हैं। यानी कि जहां पर भी वाइपर सांप आपको बाइट करेगा वहां से ब्लड रुकना बंद ही नहीं होगा, तो ब्लड बॉडी में ब्लड का जो लॉस हो जाएगा उसकी वजह से मौत हो जाती है। इसीलिए वाइपर को बहुत डेंजरस सांप माना जाता है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जहरीले सांपों की बात कर लेते हैं जो इंडिया में कॉमनली पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सबसे खतरनाक सांप की, उसका नाम है रसल स्वाइपर। रसल स्वाइपर सांप दोस्तों ऐसा है जिसको सर्प मित्र जो है वो भी फ्री हैंडलिंग से डरते हैं, क्योंकि ये सांप जब एस की आकृति बनाता है तो समझ लो ये आपको जंप करके काटने वाला है। और इसको जब भी आप छेड़ोगे तो ये मुंह से एस की साइज बना लेता है, एस साइज बना लेता है, तो उस टाइम पे आपको इससे दूर हो जाना है। और ये बिल्कुल कुकर की सीटी की तरह फुफकारता है, बहुत सीटी मारता है। तो रसल स्वाइपर जो सांप है उसको फ्री हैंडल करने की एडवाइस नहीं दी जाती, चाहे कितना एक्सपर्ट हो, क्योंकि वो बहुत ही डेंजरस सांप है, बहुत ही जंप करके हमला करता है, बहुत गुस्सा करता है, कुकर की सीटी की तरह सीटी मारता है जब उसको गुस्सा आ जाता है और एस शेप में उसके मुंह को कर लेता है, यानी कि वो काटने वाला है, इसलिए उससे दूर रहना है और स्टिक वगैरह से उसको हैंडल करते हैं जो भी सांप मित्र है। और ये वाइपर है, इसके फैंग बहुत बड़े होते हैं, इसलिए इसमें हीमोटॉक्सिक नाम का जहर पाया जाता है, हीमोटॉक्सिक जहर पाया जाता है। यानी कि अगर रसल स्वाइपर काटेगा तो क्या होगा, खून का थक्का नहीं बनेगा और खून
मतलब लगातार बहता रहेगा और आदमी को बहुत ज्यादा दर्द होगा और आप उसके ऊपर जहाँ काटा है उसके ऊपर बैंड अगर आप बांध देंगे जोर से तो आपको वो हिस्सा पूरा काटना पड़ेगा। यानी कि जैसे कि मेरे यहाँ पे काटा है और यहाँ किसी ने बंद बांध दिया तो यहाँ से मेरा पूरा हाथ काटना पड़ेगा। ये इतना डेंजरस सांप है और उसको हैंडल करना सबसे मुश्किल काम है, इसीलिए मैंने इसको नंबर वन पे रखा है। दोस्तों जहर की क्वालिटी डिफरेंट हो सकती है, यहाँ पर मैं खतरनाक सांपों की बात कर रहा हूँ जो जिनका हैंडलिंग से और जिनका वेनम के क्वालिटी से और जिनके मतलब बिहेवियर से मैं यहाँ पे इंडियन सांपों के बारे में। हालांकि बहुत सारे सांप है जिनके बहुत खतरनाक वेनम होता है, जहर होता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाला एक टाइकून है, इनलैंड टाइकून, वो सबसे जहरीला सांप माना गया है, और कोरल स्नेक है जो समुद्र में पाया जाता है, मतलब वो सबसे जहरीले सांप है। लेकिन इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, तो इंडिया में नंबर वन पर असल स्वाइपर है जो बहुत ही खतरनाक है और उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। नंबर दो पे बात करूंगा दोस्तों, जो सबसे खतरनाक जहरीला सांप है लेकिन शांत है, वो है कॉमन क्रेट या इंडियन क्रेट ऐसे बोल सकते हैं। ये सांप होता है ब्लैक और इसके ऊपर व्हाइट कलर के रिंग्स होते हैं, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट में होगा, व्हाइट रिंग्स होगी इस पे, और बहुत ही शांत होता है ये और रात को निकलता है। इसकी खासियत है कि ये शिकार करने के लिए रात को निकलता है, जिससे क्या होगा कि ये कई बार बेडरूम में मिल जाता है, चूहों की तलाश में आ जाता है और आप सोते टाइम इधर करवट लेते हैं तो हो सकता है ये आपको काट ले, क्योंकि कोई भी स्नेक आपको ऐसे नहीं काटता है जब तक आप उसके ऊपर नहीं पैर रख देते हैं या फिर उसको बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर देते, तब तक सर काटता नहीं है। तो कॉमन क्रेत जो है वो भी बहुत डेंजरस सांप है लेकिन बहुत शांत है, इसको ये काटता नहीं है जनरली और जंप करके हमला नहीं करता है। तो कॉमन क्रेत हो गया दोस्तों, ये रात के समय में निकलता है। थर्ड नंबर पे बात करेंगे दोस्तों कोबरा की, या कॉमन कोबरा या इंडियन कोबरा या स्पेक्टिकल कोबरा भी बोलते हैं और इसको नाजा नाजा भी बोलते हैं, या मूवीज की भाषा में, फिल्मों की भाषा में, बॉलीवुड की भाषा में इसको नाग बोलते हैं, नाग नागिन जैसा। इसको हैंडल करना सबसे आसान माना गया है, जब जो भी सर्प मित्र बोलते हैं कि इसको हैंडल करना बहुत आसान है, इसके सामने अगर ब्लैक कलर का कुछ भी टोपी या कपड़ा घुमाने लगोगे तो ये इस तरह से फन फैला के खड़ा हो जाता है और पीछे से चाहे फिर आप इसको टच भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना है जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं है। मैं खुद पर्सनली बहुत ज्यादा सांपों से डरता हूँ, लेकिन मैं इसको जानकारी लेने के बाद मुझे थोड़ा हिम्मत आई इस पे वीडियो बनाने की। कोबरा सांप है वो भी बहुत जहरीला सांप है, वेनमस सांप है, लेकिन इसके जो फैंग होते हैं वो छोटे होते हैं, इसलिए इसमें जो पाया जाता है जहर वो होता है न्यूरोटॉक्सिक, यानी कि ये आपके सांस लेने की क्रिया को खत्म कर देगा, डैमेज कर देगा और आदमी की मृत्यु हो जाएगी अगर सही से हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया, एंटीवेनम नहीं दिया गया उसको पेशेंट को। तो इसके बाद में चौथे नंबर पे दोस्तों बात करूंगा मैं किंग कोबरा। अब कोबरा और किंग कोबरा में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन किंग कोबरा जो होता है वो बहुत बड़ा होता है साइज में, बहुत ही बड़ा साइज में होता है और जहरीला होता है। हालांकि इसको हैंडल करना भी आसान है जैसा कि सर्प मित्र बताते हैं, लेकिन यह भी जहरीला सांप है और इसमें भी न्यूरोटॉक्सिक जहर ही पाया जाता है। और दोस्तों एक सांप है जो जहरीला है, वो है रेटल स्नेक। रेटल स्नेक भी बिल्कुल खतरनाक सांप है दोस्तों, और ये जनरली रेगिस्तान में या सूखे प्रदेश में पाया जाता है, और इसकी जो पूंछ होती है वो वाइब्रेट करता है, ये ऐसे ऐसे करके मुंह को छुपा के उसकी पूंछ को वाइब्रेट करने लगता है, जिससे कि मेंढक या कोई कीड़ा आकर्षित हो जाता है इसकी तरफ, और जैसे उस पूंछ की तरफ आता है मेंढक खाने के लिए उसको, तो ये लपक के उसको खा जाता है। यानी कि अपने शिकार को अट्रैक्ट करने के लिए पूंछ को ऐसे वाइब्रेट करता है, वाइब्रेटर की तरह ऐसे वाइब्रेट करता है। अभी दोस्तों मैं कुछ आपको बिना जहर वाले सांपों के बारे में बताता हूँ इंडिया में जो पाए जाते हैं। हालांकि जहरीले और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि साइज स्केल्ड हो गया, डेथ एडर हो गया, और पिट वाइपर हो गया, साइज स्केल्ड वाइपर हो गया, बहुत सारे सांप है जो जहरीले हैं, लेकिन नॉन जो बिना जहर के हैं वो भी बहुत सारे सांप हैं। तो बिना जहर वाले की बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे हम अजगर की, जिसको पाइथन बोलते हैं। तो अजगर सांप होता है दोस्तों, वो जहरीला नहीं होता, यानी कि उसके काटने से कोई नहीं मरेगा, लेकिन वो जिंदा निकल जाता है उसके शिकार को, तो इसलिए वो पहले क्या करता है, लपेट लेता है और उसको
लपेट के ट्विस्ट पैदा करता है, जिससे क्या होगा कि बॉडी में से हड्डियां टूट जाएगी और उसको सांस आना बंद हो जाएगा। चाहे आदमी हो चाहे जानवर हो, उसको लपेट के वो पहले मार देगा फिर निगल जाएगा। तो इसलिए अजगर सांप भी बहुत डेंजरस माना गया है, क्योंकि वो एक बार लपेट लेता है तो वो छोड़ता नहीं है अपने शिकार को, और बहुत बुरी तरह से ट्विस्ट करके और सांस रोक देता है, हड्डियां तोड़ देता है, उसके बाद में निगल जाता है। आदमी को भी निगल सकता है, वो इतना बड़ा होता है अजगर सांप पाइथन, तो उसको इससे, लेकिन ये जहरीला नहीं होता है, इसमें जहर नहीं होता है, इसमें वेनम नहीं होता है, मतलब विष नहीं होता है। उसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों दामन सांप की। दामन सांप जो होता है उसको रेड स्नेक बोलते हैं, क्योंकि ये चूहे बहुत खाता है और ये लंबाई में बहुत लंबा होता है और पीले कलर का होता है। जैसे जैसे पूंछ की तरफ जाओगे ज्यादा पीला होता जाएगा, और नीचे से भी पीले कलर का होता है, हल्का पीला कलर होता है, और इसका मुंह जो है ना थोड़ा सा लाल रेडिश कलर का होता है। और ये सांप है बिना नॉन वेनमस है, मतलब बिना जहर का सांप है, लेकिन ये काटता बहुत तेज है, मतलब इसको बहुत एग्रेसिव होता है, इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। आप पकड़ लोगे तो भाग भाग के आपको काटने की तरफ आएगा, जबकि इसके फैंग नहीं होते, मतलब जहरीला नहीं है तो फैंग होंगे नहीं इसमें, तो वेनम है नहीं, लेकिन यह काटता है तो उसका काटने की वजह से सूजन आ जाती है, तो और बहुत तेजी से काटता है। अगर इसको बहुत टाइट पकड़ लोगे आप तो काट लेगा, यानी कि इसलिए सांप को तो कभी पकड़ना ही नहीं है, कभी हाथ ही नहीं लगाना है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जहरीला नहीं है। इसके बाद में एक सांप होता है, उसको दम्भी बोलते हैं दोस्तों, बोवा, उसको बोवा बोलते हैं इंग्लिश में, और या गांव की भाषा में उसको दम्भी बोलते हैं, दो मुंह वाला सांप बोलते हैं, ऐसा बोला गया है, मतलब दो मुंह होते हैं जबकि उसके एक ही मुंह होता है। वो अंधविश्वास है, और ऐसा अंधविश्वास है कि इसको ऐसा अंधविश्वास है कि ये सांप है ना बहुत करोड़ों में बिकता है, लेकिन ये सब झूठे अंधविश्वास है। वो एक साधारण सा सांप है, उसको बचपन में हम उठा के गले में डाल देते थे, बहुत जहरीला नहीं होता है, लेकिन वो जब भागता है ना उसको डरा दोगे तो बहुत तेजी से भागता है, लेकिन वैसे बहुत ही शांत है और बिल्कुल शरीर जैसा पड़ा रहता है, एकदम दम्मी बोवा जो सांप है, और बहुत ही शरीफ सांप है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये क्या है कि इसमें अंधविश्वास बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो ये कॉमन सांप थे दोस्तों जिनके बारे में मैंने बताया, और अभी मैं थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ आप लोगों को सांप के बारे में कि कैसे कैसे इसके अंधविश्वास फैले हुए हैं। जैसे कि सांप है जो कभी भी दूध नहीं पी सकता, क्योंकि दूध को पचाने के लिए उसके बॉडी में एंजाइम्स नहीं होते हैं, तो वो दूध पी अगर आप जबरदस्ती उसको दूध पिला देंगे तो वो सांप मर जाएगा। दूसरा है कि सपेरों के पास जो सांप होता है वो क्या करते हैं, ब्लेड से उसकी वेनम जो थैली होती है जहर की उसको निकाल देते हैं, वेनम ग्लैंड होती है उसको निकाल देते हैं, दांत जो होते हैं फैंग उसको तोड़ देते हैं। लेकिन नॉर्मल दांत तो अलग होते हैं जो उसका खाने को निगलने के लिए, एक फेंग होते हैं जहर वाले दांत उसको तोड़ देते हैं सपेरे, तो बाद में वो जो सांप होता है वो 3-4 महीने में मर जाता है। इसलिए कभी भी सपेरे के पास सांप देख के उसको पैसे नहीं देना है, उसको बढ़ावा नहीं देना है सांप को पकड़ने के लिए, क्योंकि ये इकोसिस्टम में सांप बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं, किसानों की मदद करते हैं, क्योंकि चूहों को ज्यादा बढ़ने नहीं देते, जिससे कि किसान की फसल बर्बाद नहीं कर पाते चूहे, और बहुत सारा जो इकोसिस्टम है उसको बनाए रखने में, उसमें संतुलन बनाए रखने में बहुत ही सहयोगी है। दोस्तों सांपों से डरने की जरूरत नहीं है, ये कभी भी काटते नहीं है, जब भी आपको लगता है कि यहाँ पे खतरा है आप पैरों को बहुत जोर से पीटते हुए चलिए, मतलब पैरों से वाइब्रेशन करते हुए चलिए, क्योंकि सांप क्या होते हैं वाइब्रेशन को समझते हैं, उनको सुनाई कम देता है या बिल्कुल भी नहीं देता कुछ सांपों को, तो वो वाइब्रेशन की वजह से जहां पर भी आप पैर मारोगे उससे 10-15 फीट की दूरी से दूरी बना लेंगे, वो दूर हो जाएंगे आपसे। तो इसलिए जब भी अंधेरे में चल रहे हैं तो आप पैरों से वाइब्रेशन करते हुए चलिए, यानी कि पैरों को जोर जोर से जमीन पर पटकते हुए चलिए, तो आपको कभी भी कोई भी रेप्टाइल है वो आपके आसपास भी नहीं आएगा। दूसरा है कि दूध कभी नहीं पिलाना है, और सांपों के प्रति जो अंधविश्वास है कि सांप याद रख लेता है बदला लेता है, वो बिल्कुल ही बेसलेस है दोस्तों, आधारहीन बातें। कभी भी सांप को कुछ याद नहीं रहता है, आप उसको छेड़ोगे उसको मारोगे 2 मिनट बाद या 1 सेकंड के बाद भी दूसरा कोई मारेगा तो वो उसकी तरफ देखेगा, आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, आपको भूल जाएगा, यानी कि उसमें जो परमस्तिष्क होता है वो नहीं होता है, इसलिए उसको याद नहीं रहता, मतलब जो डिसीजन लेने की पावर होती है ना वो नहीं होती, यानी कि वो बदला लेने की भावना उसमें जागृत हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें परमस्तिष्क नहीं होता है। तो ये थी दोस्तों सांपों से रिलेटेड बातें, होप आपको पसंद आए होगी, और वीडियो से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।